हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान के करंट जीके के बारे में बताएंगे। और ये अभी 16 जून का ही करंट जीके है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जितने भी राजस्थान के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीचर के या एलसी के या जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, इन सब में बेनिफिशियल रहेंगे ये, तो आप ध्यान से पढ़ें इनको। देश में प्रदूषण के क्षेत्र में 14वें स्थान पर राजस्थान का कौन सा ज़िला है? तो वो ज़िला आपका है जोधपुर है। जोधपुर के लिए गवर्नमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए 10,000 पौधे लगाए गए हैं, जिनको कम से कम प्रदूषण हो। और उसके बाद में है, राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, भामाशाह कार्ड राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये महिला के सशक्तिकरण के लिए इसको बनाया गया था। और ये इसका जो समारोह है या प्रोग्राम है, वो जयपुर के अंदर किया गया था 28 जून को, 28 जून 2018 को इसका जो है वो समारोह किया गया था। उसके बाद राज्य में सबसे पहली आधुनिक न्यूरो केथ लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोटा के अंदर किया गया है। और कोटा को आप सब लोग जानते हो कि शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा जितने भी कोचिंग सेंटर है, वो सारे कोटा के अंदर है, तो इसको सबसे बेस्ट माना जाता है कोटा को। आगे देखिए, देखो डाकघर के अंदर एक एटीएम बनाया गया है। वैसे तो सब बैंकों के अंदर ही एटीएम है, लेकिन एक ब्यावर का एक एटीएम बनाया गया है अजमेर ब्यावर के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा लेन देन किया गया है। तो ये ब्यावर का जो एटीएम है, सबसे बेस्ट माना जाता है लेन देन के क्षेत्र में। इसमें बहुत ज़्यादा लेन देन होते रास्ता मेडिकल कॉलेज का एक नया नाम रख दिया गया है, उसका नाम चेंज किया है मेडिकल कॉलेज का, दीनदयाल उपाध्याय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसका नाम रखा गया है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसका नाम चेंज करके सरकार ने इसका नाम उपाध्याय कर दिया है, पंडित दीन। तो देखो, ये जो एक करंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपके सारे रिवाइज होता रहे और एग्ज़ाम में आपकी कोई भी समस्या नहीं रहे। राजस्थान का कौन से ज़िले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो ये आपका अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को इसलिए कहा जाता है कि ये राजस्थान के मिड में है। अगर आप मैप देखते हो, तो ये राजस्थान के बीच के अंदर इसको माना गया है। हम राजस्थान के कौन से भी कोने में हो, अगर अजमेर जाना होता है, तो ये मिड लेवल के अंदर ही आता है, ताकि इसको हम राजस्थान का जो है वो हरदेवी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अजमेर में जो है वो ख्वाजा मुसुद्दीन की जो दरगाह भी है, तो इसलिए भी फेमस है। राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। देखो, गृह मंत्री जो है वो राजस्थान का गुलाब चंद कटारिया ही है। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? देखो, पहले थी ललिता कुमारी मंगलम, NCW के अध्यक्ष जो थी वो ललिता कुमारी मंगलम थी, लेकिन अब करंट के अंदर बदल गए, वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वो महिला आयोग के अध्यक्ष है, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक दिन का भी करंट जीके आ सकता है, तो हर दिन आपको अपडेट करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको करंट जीके याद रह सके। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्रजोत, ये जो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कैलाश मेघवाल, ये जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष है। देखो, ये जो करंट जीके हम आपको रोज अपडेट देते रहेंगे, बट इसको इस चैनल को आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी क्रैक कर सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।